अभी जो है हम केव्स की तरफ जा रहे हैं, बहुत सामने जो है केव्स हैं। सारी लगता है पुरानी बोटें यहाँ इन्होंने फेंकी हुई है। भारी होता है और खास कर पानी के प्रेशर से और ज्यादा भारी होता है, तो इसके लिए दो फरकाना भाई को क्या बता रहे हैं बड़ा होकर सेलर बनेगा मेरे। हम दोनों आर्यन मिक्सर सजी मछेरा पूरी दुनिया में घूमेंगे बोट से। जैसे अभी हम बोट की ट्रिप से वापस आ गए हैं और अभी हम अपने अपार्टमेंट के बाहर हैं और अभी हम जाएंगे कुछ चीज़ें खरीदेंगे सुबह के रास्ते के लिए और थोड़ा सा शायद हमें देखेंगे कुछ खाने को मिले तो हम डिनर करने जा रहे हैं और आपको भी साथ लेके जा रहे हैं। अभी हम पिज्जेरिया में आए हैं। इस रेस्टोरेंट में हमने जो ऑर्डर किया है वो किया है पिज्ज़ा और पिज्ज़ा में जो किया है उसका नाम है मैक्सिकाना। उसमें जो वो मुझे इसलिए चलता है क्योंकि थोड़ा मैक्सिकन टेस्ट आएगा और उसमें जो है साथ हमने ऑर्डर किया है चीज़ बर्गर और बहुत अच्छी भूख लगी क्योंकि हमने बोट में खाना खाया था तकरीबन 2 बजे उसके बाद मैंने खाया तो अभी हम खाना खाने लगे हैं। अभी हम आराम से हमने रिलैक्स किया घर आके तो अभी रात का डिनर खाने के लिए तैयार है लेकिन बहुत भूख लगती रही है यानी अभी कम से कम हमने वॉकिंग भी बहुत किया है तो सारे दिन में गए हैं वॉकिंग किए हैं ये बहुत मज़ा आया आज। आज आज का दिन अच्छा रहा है। आज थकावट बहुत हो गई है आज हम बहुत सुबह उठे हैं। आप रुकान की जगह देख रहे होंगे आज हम उठे हैं तकरीबन 8 बजे उठे हैं। कल सोए हम 2 बजे थे 2 या 3 बजे सोए होंगे और फिर 8 बजे उठे हैं और सारा वो कर दिए। अभी फिर जो है ये 11 हो रहे हैं तो अभी नींद भी आई है भूख भी लगी है वॉकिंग भी जो है और असल में गर्मी भी है इतनी। आज बड़ा मज़ा खाना आ गया पिज़्ज़ा बहुत मज़े लग रहा है मैक्सिकाना। हाँ ये हलाल हाँ ये हलाल सलामी और ये है बर्गर चीज बर्गर इनका बर्गर थोड़ा सा अलग सा लग रहा है ये भी खा के बताइए कैसा भगवान कैसा पिज़्ज़ा है क्या पिज़्ज़ा है बहुत मीठा वाला एक बार थोड़ा लीजिए
फिर से खाना है, इसको भी बहुत अच्छा लगा। खाना खा लिया, बहुत ही मज़े का खाना था गाइस, इतना मज़ा आया कि मैं, क्योंकि कल हमने बहुत बेसिकली हमने कल बहुत गंदा पिज़्ज़ा खाया था ना, उसके कंपेयर में ये वाला पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही मज़े का था, तो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ऊपर था। और उसकी जो सलामी थी वो बहुत मज़े की थी, क्या बना सलामी की थी, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा। कितना नंबर देंगे इसको? 8 out of 10। और जब मैं बर्गर खाया था वो जागरे में, उसको फगाने 10 आता था कितना गाइस। तो अभी हम खाना खा चुके हैं, फुल सही मज़ा आ गया खाना खा के, अभी रिलैक्स है। अभी और आज कोई वॉकिंग की प्लान नहीं है, क्योंकि ऑडिया से सारे बहुत वॉकिंग की है। अभी मैं नए अपार्टमेंट में जाएंगे और जगह आराम करेंगे, और फिर कल का दिन जाए हम फिर दोबारा वॉकिंग, सारे वॉकिंग हमारे यही होता है। बातें मैं एक और बात बता दी, हम जो है बहुत से सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ज़्यादातर जो है फकान की है, और ज़्यादातर फकान पहले नंबर पर, उनकी कोशिश ये होती है कि नहीं हम वॉकिंग करेंगे, वॉकिंग करके हम सारी जगहों में जाएंगे। मुझे अच्छा याद है कि एक दफ़ा हम लंदन गए थे, एक दफ़ा हम लंदन के एक रेस्टोरेंट में गए थे, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में, वो बुफे थी और वो मुझे बहुत दिल था मैंने जाना है, और वहाँ पर फकान हमें सारे वॉकिंग कर गए थे। फकान कितने किलोमीटर था? 2.5-3 किलोमीटर। लेकिन ये क्या है, इंग्लैंड में जो है, लंदन में खासकर मैनचेस्टर का, वो मैनचेस्टर और उनकी जो है बीच में बादल फुटपाथ में अच्छे नहीं होते, जैसे कि नॉर्वे के होते हैं, तो उसमें बच्चों के साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ वो भी स्ट्रॉलर भी थी, रेस्टोरेंट के हिसाब से वो ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लंबा लगता है। मुझे लगा था हमें कितना लंबा चले, लेकिन जब बुफे खानी है तो आपको बहुत चलना चाहिए, ये मेरा मन है, तभी आप सही तरीके से खा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था खूब खाएँ खूब खाएँ, और मैं खूब चले, आप खूब चलने के बाद आपने खाए भी बहुत खूब बहुत मैंने वहाँ बाहर से खाई थी, क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ है, बहुत से खाने थे जो हम घर में नहीं बनाते, जैसे कि पाए निहारी, अब ये फकान जो है वो बिल्कुल नहीं खाते, तो मैं जो था मैं ट्राई ज़रूर करूँ, तो इसलिए मैं वहाँ पे गई हूँ, और वहाँ पर जाकर मैं इतना खाना खा लिया कि वो खाना खाया था, तो वॉकिंग में फ़ायदा दिया, खा के फिर हमने फिर दोबारा वॉकिंग की थी, अपने अपने होटल तक गए थे। तो गाइस ये है कि जाएँ खाना खाएँ, मज़े करें, इन्जॉय करें, लेकिन साथ में एक्सरसाइज और वॉकिंग ज़रूर करें फिट रहने के लिए। तो आज अभी तो मैं लेती हूँ आज के लिए हमसे लेते आपसे इजाज़त, फिर एक दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।